कौन मारता है इसे बेटी को है? तो हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में आप सबको मैं एक बात बताना चाहती हूँ। दोस्तों, हम सब बच्चों से कभी कभी ऐसा हो जाता है, जब गलतियां हो जाती हैं तो माँ बाप का फर्ज बनता है कि अपने बच्चों को माफ करने का। तो दोस्तों, आज यही टॉपिक पे हम वीडियो बना रहे हैं और आरती जी किस तरह से रो रही है आप सोच भी नहीं सकते हो। तो वीडियो देखो पहले आप लोग। तब पर भी उनको कुछ शर्म नहीं हो रहा है, थोड़ा सा भी शर्म नहीं हो रहा है उनको है? और अभी भी इनके ऊपर हक जताता है, हक तो खो दिया है, है? तो जैसे कि दोस्तों आपने वीडियो देख ही लिया, और आपने क्या देखा दोस्तों? हम जैसे कि आजकल जमाने में समझते हैं, हर कोई चाहता है कि अपने बच्चों का फ्यूचर अच्छा करना, पर ये कैसा बाप है दोस्तों? आज वो अपना दुख सुख जैसा भी करती है, अपना खाती है पीती है, सब लोग जानते ही है कि किस तरह से वो रहती है। उसके जीवन में इतनी सारी परेशानी होने के बाद आज फिर भी वो लड़की कभी किसी से ये नहीं कहती, आज मुझे इतना दुख है अपने पिता से कि मेरे पिता ने मेरे साथ ये गलत किया, वो गलत किया, और फिर भी वो पिता ये बोल रहा है कि वीडियो ना बनाए। अरे भाई, धक्का लगे ऐसी जिंदगी को। और आरती जी, आप ऐसे लोगों की बातों को सिर्फ कान से सुनो और कान से निकाल दो। जितना इनकी बातों पे फोकस करोगे, ये लोग उतना ही आपको गिराएंगे। तो प्लीज, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप इतनी परेशान मत हो। आपका तो खुद से ही इतना अच्छा परिवार है, मन्नू का परिवार, जैसे कि मन्नू के पिताजी, मन्नू की मम्मी इतनी अच्छी हैं कि वो आपकी परेशानी देख देख के आपका कितना साथ देती हैं, आपका कितना ख्याल रखती हैं। तो आपको ये सोचना चाहिए, ना कि अपने पिता के बारे में। बोलने तो जो बोलता है, पर रो मत, अपने आप को कमज़ोर मत बनाओ आरती। जितना आप कमज़ोर बनोगे, उतना ही दूसरा इंसान हमको ठेस पहुँचा देता है। अगर दोस्तों आपको मेरी बात कहीं से भी गलत लगे तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। पर आज का वीडियो इतना ही था, बस इसी टॉपिक पे बनाना चाहती थी ताकि आप लोग आरती जी का दुख समझो। ताकि क्योंकि कुछ लोग ना आरती के लिए इतना कुछ कह देते हैं ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा मेरी सटक जाती है। तो ऐसा ना कहें, वार्निंग में ही समझ लीजिए, क्योंकि हम सब ऑडियंस इसलिए हैं क्योंकि उस बेचारी का दुख कोई समझने वाला है या नहीं है। पर मन्नू भैया, प्लीज़ आप आरती जी का ख्याल रखना। और जय श्री श्याम दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ख्याल रखें अपना और अपने परिवार का।